वेलकम टू एडुजोश। एडुजोश में आप सभी लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैकेंसीज आई है, काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, तो वीडियो को अंत तक देखेगा कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, सैलरी क्या होगी, एज क्या होगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये सभी चीज़ हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको पढ़ के दिखाऊँ। नोटिफिकेशन ऑफ द वैकेंसीज उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ रिक्रूटमेंट 2018-19। ठीक है, ये पूरा रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इनवाइट किया गया है 2018-19 के लिए, पोस्ट कोड इसमें नीचे दिया हुआ है और बाकी चीज़ें भी दी हुई है। तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर है जिसकी पोस्ट कोड यहाँ पर स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज आई है, स्टेनोग्राफर 2। ठीक है, ग्रेड स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, उसके जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो वैकेंसीज आई है ये आई है आपको ड्राइवर की वैकेंसीज है। ठीक है, जिसके अंदर आपको ट्यूबवेल ऑपरेटर भी ट्यूबवेल के ऑपरेटर की वैकेंसीज आई है। ठीक है, प्रोसेस सर्वर की आ गई है, ऑर्डरली प्योन ऑफिस प्योन और फराश की वैकेंसीज आई है। उसके बाद यहाँ पर चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कूली, ठीक है, विस्टी, लिफ्टमैन और स्वीपर कम फराश, ये सारी वैकेंसीज आई है। टोटल 4 पोस्ट कोड हैं। और ये बात आप लोग को मैं बता दूँ कि अलग अलग पोस्ट कोड के लिए आपको अलग अलग फ़ीस भरनी होगी, भले ही आप एक चारों भरना चाहते हो, इसमें कोई एतराज़ नहीं है बोर्ड को कि आप 4 फॉर्म भर रहे हैं, इसमें कोई एतराज़ नहीं है, आप फॉर्म भरिए, लेकिन आपको फ़ीस अलग अलग भरनी होगी। ठीक है, और इसमें अब बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे स्टेनोग्राफर के जो क्वालिफ़िकेशन है वो है ग्रेजुएट विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी, यानी ट्रिपल सी इसमें होना ज़रूरी है या फिर इशूड बाई डोएक सोसाइटी, डोएक से ट्रिपल सी इशूड होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर एज चाहिए वो है 18 से 40, 1/7/2018 के अकॉर्डिंग, और इसकी सैलरी है 5200 से 20,200। ठीक है, 2800 इसका ग्रेड पे है। उसके बाद कैटेगरी सी के अंदर जो पोस्ट आती है ये क्लरिकल की आती है, जिसके अंदर आपको जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस है। इसमें इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि डोएक सोसाइटी से होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड आपकी 25 से 30, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होनी चाहिए। ठीक है, इसमें उम्र सीमा 18 से 40 है, 1 जुलाई 2018, और इसमें जो है पेमेंट आपको सैलरी जो है 52 से 20,200 और ग्रेड पे इसमें 2000 है। ठीक है, और दूसरा जो है उसमें ग्रेड पे जो है वो 1900 है। ठीक है, जो दो यहाँ पर है पेड अप्रेंटिस का जो है ये 1900 है। अब बात करते हैं तीसरा जो पोस्ट है जिसके अंदर वैकेंसीज आई है, जो कि ड्राइवर है। ड्राइवर कैटेगरी सी के अंदर आते हैं ग्रेड 4 के लिए। ठीक है, सी कैडर के पोस्ट है। इसमें हाई स्कूल विद ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ 4-व्हीलर फॉर नॉट लेस देन 3 ईयर्स। ठीक है, 4 साल का जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वैलिड, जो कि 3 साल से कम का नहीं, 3 साल का वैलिड लाइसेंस होना चाहिए जो कि 3 साल से कम का नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर बात है 18 से 40 इनकी उम्र सीमा होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है 5200 से 20,200, 1900 इनका ग्रेड पे है। अगली जो वैकेंसीज है वो है कैटेगरी नंबर 4 के अंदर, और ये आती है कैटेगरी डी कैडर पोस्ट, जिसमें ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन, प्रोसेस सर्वर, ऑर्डरली प्योन ऑफिस और चौकीदार जो है वाटरमैन, स्वीपर, माली, कूली, लिफ्टमैन, इन सब की पोस्ट है। तो लिफ्टमैन वगैरह के लिए इस वाली कैटेगरी में जूनियर स्कूल, हाई स्कूल, इसमें भी जूनियर हाई स्कूल, यहाँ पर प्रोसेस सर्वर मस्ट है, हाई स्कूल होना चाहिए, जूनियर हाई स्कूल विथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। सिर्फ ट्यूबल कम ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन में जो है आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ITI होना चाहिए, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, डिप्लोमा या ITI होना चाहिए, ये यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आइए बात करते हैं इसमें एज कितनी है। इसमें भी एज 18 से 40 है, 1 जुलाई 2018 के अकॉर्डिंग, और जो पोस्ट है 5200 से 20,200, इसका स्केल है 1800 के लिए 1 से लेकर 4 तक, 1, 2, 3, 4, इन सभी के लिए। और जो इस पर फॉर पोस्ट नंबर 5 है वो 6000 सैलरी यहाँ पर फिक्स है। पोस्ट स्वीपर के लिए जो है क्लास 6 की वैकेंसी चाहिए, स्वीपर कम फ्रास, तो इसको जो सैलरी मिलेगी 6000 रुपये फिक्स है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देख लिया हमने। अब हम बात करते हैं अप्लीकेशन फॉर्म जो है फ़ीस कितनी होगी। फ़ीस जो है वो होगी 500 रुपये, यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक चार्जेस, और ये सारी नोटिफिकेशन में हमने ये डिटेल दे दिया है आपको। नीचे PDF लिंक दिया हुआ है मैंने, आप वहाँ से ये लिंक डाउनलोड कर सकते हैं PDF को, और वहाँ से देख सकते हैं कि किस वैकेंसीज में आपको कितना फ़ी पे करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होगा वो 6 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 26/12 तक, यानी 26 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट रहेगा। ठीक है, ई एडमिट कार्ड के लिए आपको इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी, आप लोग विजिट कर सकते हैं allahabad.hightcourt.in वेबसाइट भी कर सकते हैं। और जो ये नोटिस पब्लिश किया गया है ये मोहम्मद फैज़ आलम खान रजिस्ट्रार जनरल इनके द्वारा और इस भर्ती बोर्ड के द्वारा किया गया है। ठीक है, एग्जामिनेशन जो है वो OMR बेस्ड होगा, रिटन ऑफलाइन एग्जाम होगा, ये भी ध्यान रखना है आप लोग को। थैंक यू सो मच, वीडियो पसंद आई थी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।